सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्टीमेट नीगस। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वीब वर्ल्ड को और हम ये भी जानेंगे कि एनीमे एक्चुअली में क्या है और आज हम वीब और ओटाकुस के वेरियस एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि इस वीडियो में मेरी मदद करने के लिए आए हैं एज एन ओटाकू। सो हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष फ्रॉम एज एन ओटाकू और आज मैं और अल्टीमेट नीगस साथ में मिलकर एक येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ एनीमे सोसाइटी को कवर करेंगे। What is anime? तो क्या है एनीमे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग जवाब आ सकते हैं। लेकिन एनीमे एक्चुअली क्या है और क्या है एनीमे में जो इसे इंडियन और अमेरिकन एनिमेशन से एकदम डिफरेंट बनाता है? तो एनीमे एक ऐसी एनिमेशन मूवी या सीरीज को कहते हैं जो कि जापान में बनी होती है, लेकिन क्योंकि ये आर्ट फॉर्म इतनी फेमस हो चुकी है तो आजकल अमेरिका और इंडिया में भी अवतार और कर्मचक्र जैसे फिल्म्स बनना थोड़ा बहुत शुरू हो चुके हैं जो एनीमे से बहुत हद तक रिसेम्बल करते हैं। इसलिए आज के टाइम में ये एक डेफिनेशन इनसफिशियंट है। एनीमे का जन्म जापान में हुआ था लेकिन आज वो बस जापान में ही नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एनीमे एक्चुअली एक आर्ट फॉर्म है जिससे एनिमेशन प्रोड्यूस की जाती है। एक एनीमे स्टाइल आर्ट या ड्राइंग में आईज बहुत ही बड़ी और शाइनी होती है। अनलाइक कार्टूनिश आर्ट बहुत ही डिटेल्ड होती है, इसमें बहुत ही रियलिस्टिक बैकग्राउंड्स होते हैं और इसमें बहुत ही डिटेलिंग करी जाती है। इसमें कैरेक्टर्स भी रियल बॉडी प्रोपोर्शन से मैच किए जाते हैं और फिर उसे डिजाइन किए जाते हैं। सारे एनीमे भले ही सेम आर्ट फॉलो क्यों ना करते हों लेकिन हर एक एनिमे एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती है। म्यूजिक, कैरेक्टर डिजाइनिंग, विजुअल्स, एनिमेशन, सब कुछ बहुत ही अलग होता है हर एक एनिमे में। ऑल्सो एनिमे अपनी एक और बात के लिए कार्टून्स और दूसरे एनिमेशन स्टाइल से अलग है और उसका रीजन है स्टोरी लाइन। एनिमे इंडस्ट्री बहुत वाइड जनरस के अंदर स्टोरी लाइन आपके सामने रखती है। कोई एक्शन एनिमे होता है, कोई एडवेंचर या फिर कोई फैंटेसी कॉमेडी सीरियस मिस्ट्री ड्रामा या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ। यहाँ इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है और आप जो सोचते हो आप उसे पेश कर सकते हो। ये इंडस्ट्री लाइक अदर एनिमेशन इंडस्ट्रीज की तरह अपने आप को बस कॉमेडी या फिर ड्रामा के जॉनरस के चेन्स के अंदर बंद नहीं रखती और चाहे आपके पास जैसी भी स्टोरी हो वो एनीमे में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अमेरिकन 2D एनिमेशन इंडस्ट्री बस नॉर्मल चिल्ड्रन कॉमेडी ही प्रोड्यूस करती है, वही 3D इंडस्ट्री ड्रामा, लाइट कॉमेडी और ऐसे ही जॉनर्स के अंदर बैठी रहती है। और इंडिया में भी बस रोमांस ही चलता रहता है इन बॉलीवुड, वरना कभी कभार वो मारधाड़ वाली सीन्स। और एनिमेशन इंडस्ट्री में बस इंडियन फनी कार्टून्स जो कि एक्चुअल में फनी नहीं होते। वीब वर्सेस ओटाकू, हु आर यू, अ वीब और एन ओटाकू? अब हमें पता है कि एनीमे क्या होता है लेकिन अब ये वीब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि वीब इज शॉर्ट फॉर द टर्म वीएबो जो कि एक्चुअली उन लोगों के लिए यूज होता है जिनको जापान और जापानीज चीजों से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। एक वीब होने का मतलब आपको जापानीज कल्चर पसंद होना और आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए या फिर होती है कि काश आप जापानीज होते। और ये इच्छा इस लेवल पर होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को ही कोसने लगो कि वो जापानीज क्यों नहीं है। यस इट्स लेम बट इट्स इट। एक वीब होने के लिए आपको एनीमे के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एक एनीमे वाइफू भी होनी चाहिए, नेवर माइंड। लेकिन एक वीब वो नहीं जो कि एनीमे पसंद करे। एक वीब वो होता है जो कि जापान को पसंद करे और वो जापान को तभी तो पसंद करेगा जब वो वहाँ का कल्चर एंड एवरीडे लाइफ देखे और उसे ठीक से समझ सके, और वो दिखाए जाते हैं एनीमे में। इसलिए एक वीब को एनीमे के बारे में पता तो होता ही है लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ एनीमे तक ही सीमित नहीं होता। एक और टर्म है जो कि एनिमे से रिलेटेड है, वो है ओटाकू। ये वर्ड हमारे नाम में भी आता है, एज एन ओटाकू। अब ओटाकू का क्या मतलब होता है? ओटाकू का मतलब ये होता है कि एक बंदा जो कि एक पर्टिकुलर चीज से काफी ज्यादा ऑब्सेशन होल्ड करता है। ऑब्सेशन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कंप्यूटर, एनिमे, फोन, ईटीसी। जापान में ये वर्ड एक डिस्क्रेस की तरह लिया जाता है, लेकिन ओटाकू आउट ऑफ द जापान एक नॉर्मल वर्ड बन चुका है एक एनिमे फैन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन लाइक आई सेड, ओटाकू का मीनिंग ये नहीं होता कि वो एक एनिमे फैन को डिस्क्राइब करे। ओटाकू का मीनिंग ये होता है कि वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर चीज से ऑब्सेशन होल्ड करता है। वीब वर्ल्ड में ओटाकुस और वीब्स को लेकर बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं और लोग हमेशा इन दोनों वर्ड्स को सेम समझ लेते हैं जो कि एकदम गलत है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमेशा से एक थिन लाइन है और अच्छा यही रहेगा कि हम एक बार इसको डिस्कस कर ले। तो वीब एक्चुअली एक वाइडर टर्म है और ओटाकू एक थोड़ी शॉर्ट टर्म है। ओटाकुस वो होते हैं जो कि गेम खेलते हैं और एनिमे देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जापान जाने के सपने देखे और अपने माँ बाप को कोसे कि वो लोग जापानीज क्यों नहीं है। ऑन दी अदर एंड एक वीब बस एक नॉर्मल जापानीज लवर हो सकता है जिसको जापानीज कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे पूरे दिन एनीमे देखते रहे और जापान में होने के सपने देखते रहे। बट आजकल हमको वीब ओटाकुस देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली होते ओटाकुस ही है जिन्होंने कुछ ज्यादा ही एनिमो के नशे कर लिए होते हैं और अब उसको जापान जाकर एक सस्ता एनीमे पिलो चाहिए होता है और एक एनीमे मर्च चाहिए होती है।
सो वीब्स, एनिमे इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट एनिमे। एनिमे इंडस्ट्री के काफी सारे फेसेस हैं जिसमें अनलिमिटेड क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट छुपा हुआ है। अगर आपने एनिमे के बारे में सुना है तो आपने मांगा वर्ल्ड के बारे में भी सुना ही होगा। अगर आपने मांगा वर्ल्ड के बारे में नहीं सुना तो लाइट नोवेल या फिर विजुअल नोवेल के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम है ना, क्या है ये मांगा, लाइट नोवेल और विजुअल नोवेल, और ये एनिमे से कैसे रिलेटेड है? चलो इस बात पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। एनिमे एज यू नो एक टाइप का एनिमेशन है। मांगास इन सेम वे आर जस्ट ग्राफिक नोवेल्स या फिर कॉमिक बुक्स, लेकिन एक मांगा बस एक ग्राफिक नोवेल नहीं होती। मांगा यूजुअली रन्स इन सीरीज और एक वॉल्यूम में 12 से 13 चैप्टर्स होते हैं, जो यूजुअली 15 से 20 पेजेस के होते हैं। ये चैप्टर्स एक्चुअली हर एक वीक मैगजीन में पब्लिश होती हैं। और जब पब्लिशर के पास इनफ चैप्टर्स आ जाते हैं तो उन चैप्टर्स को कंबाइन करके उनको वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया जाता है। मांगास या तो मंथली रन हो सकती हैं जिसमें 40 पेजेस अप्रोक्स होते हैं एक चैप्टर में, या फिर वीकली जिसमें 20 पेजेस होते हैं, या फिर एक मांगा आर्टिस्ट एक स्क्रिप्ट लिखता है और फिर उसके बाद कुछ आर्टिस्ट को हायर करता है। वो हर चैप्टर के ड्राफ्ट पेजेस बनाते हैं और फिर अपने असिस्टेंट्स को उन्हीं को फुल फ्लेज्ड ड्राइंग में कन्वर्ट करने को दे देते हैं। ऐसी ही एक मांगा बनती है और ये सारे नंबर्स एक रफ एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। अब चलो बात करते हैं लाइट नॉवेल्स और विजुअल नॉवेल्स की। एक लाइट नॉवेल भी एक टाइप की नॉवेल सीरीज होती है जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में डिवाइडेड होती है। एक लाइट नॉवेल सीरीज भी वॉल्यूम्स में डिवाइडेड होती है विद अबाउट 50,000 वर्ड्स इन अ सिंगल वॉल्यूम। एक लाइट नॉवेल बहुत ही डिटेल में लिखी जाती है और एक लाइट नॉवेल को पढ़ने में बहुत मजा आता है। एक लाइट नॉवेल वॉल्यूम कुछ 3 मंथ से लेकर और कुछ सालों बाद भी उसकी अगली वॉल्यूम आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द राइटर की वो कितना लिखना चाहता है। ह्योका 86 और मोनोगतारी भी कुछ बहुत ही अच्छे नॉवेल है जो की एनिमे में भी अडॉप्ट रखे हैं। लेकिन अब ये विजुअल नॉवेल भला क्या है? अब आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुनकर कि विजुअल नॉवेल इज अ टाइप ऑफ अ गेम। यस, विजुअल नॉवेल्स आर वीडियो गेम्स व्हिच आर मेड फ्रॉम कंसोल्स सच एज निंटेंडो 3DS, गेम बॉय, एक्सप्लेन, निंटेंडो स्विच एंड और भी बहुत से। ये सारे ही कंसोल्स जापानीज कंपनी निंटेंडो ने बनाए हैं और इन्हीं पर आप एक विजुअल नॉवेल एंजॉय कर सकते हो। वेल, एक विजुअल नॉवेल में एक्चुअली आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है और एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जो एट मोस्ट टाइम्स कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इस टाइप के वीडियो गेम्स में मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत से कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है और आपको उनके डायलॉग्स भी पढ़ने पड़ते हैं जस्ट लाइक अ नॉवल, इसलिए इसको विजुअल नॉवेल्स कहा जाता है। इनमें नॉवेल्स की तरह रीडिंग भी करनी होती है और आपको वर्चुअली गेम भी खेलनी होती है। पोकेमोन फ्रेंचाइज, जैक जिन, फायर एम्ब्लेम और फाइनल फैंटेसी सीरीज कुछ ऐसे विजुअल नॉवेल्स है जिनको मांगा एडाप्टेशन और एनिमे एडाप्टेशन भी मिली है। यू कैन ऑल एंजॉय देम नाउ ऑन पीसीस टू, क्योंकि आजकल एमुलेटर से कोई भी गेम चल जाती है पीसीस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो अल्टीमेट नेगस के चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और एज एन ओटाकू को भी जरूर सब्सक्राइब करना, उसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी बहुत से अमेजिंग एनिमे कंटेंट्स बनाता है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो फिर सायोनारा एंड गुड बाय।